सारा सुनी है। मैं पहली डेफ एडवोकेट हूँ जो सुप्रीम कोर्ट तक अपीयर करी हूँ, दर्ज किया है मैंने। करीब 2 साल पहला जदों सारा ने LLB की प्रीख्या पास की ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਇੱਕ ਡੈਫ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। पर जब मैं पहली बार सुप्रीम कोर्ट गई थी, मैं बहुत खुश थी और सरप्राइज थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे अब परमिशन दिया कि सब लोगों को बोला कि इंटरप्रेटर अलाउ कर सकते हैं, जैसे बिकॉज मुझे समझने में कोशिश है था कि क्या है करके। पहले मैं सोचती थी कि जब मैं LLB की पढ़ाई करती थी, मैं जाना चाहती थी, मैं सोचती थी कि मैं कैसा है, कैसा लगता है चीफ जस्टिस के सामने खड़े होना, बात करना। उसके बाद जब मैंने फाइनली मैं वहाँ पे थी, एक मेरा ड्रीम कम ट्रू का एक्सपीरियंस है मेरा। मतलब मैं पहली बार मैं वहाँ पे खड़ी हूँ चीफ जस्टिस के सामने, और वहाँ पे वेबिनार चल रहा है, वीडियो कॉल चल रहा है, मैं देख रही हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत था उसमें, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं आर्ग्यू भी कर सकती हूँ अब से। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कोई भी पर्सन जो सुनाई नहीं देता, उनको ये ना लगे कि नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं। सारा सन्नी ने जावेद आबिदी फाउंडेशन वालों सुप्रीम कोर्ट विच एक याचिका दाखिल की सी कि उन्हां वर्गे लोकां नूं भी बराबर दे अधिकार मिलने चाहिदे हन। सारा सन्नी इस याचिका नूं दाखल करवाउण विच मदद करन वाली वकील संचिता आयन दी भी शुक्रगुजार है। आप किस तरह के स्कूल में पढ़ी थी और किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सो मैं जब से पैदा हुई हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता था और मुझे बात करनी आती थी। तो क्या होता था, फिर मैं स्कूल गई जहाँ पे सुनने वाले बच्चे पढ़ते थे। मेरे दोस्त लोग थोड़े लोग थे जो लिख के मुझे नोट्स देते थे, लिख के बात करते थे। फिर मैं नोट्स को पूरा घर लेके आके मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं पढ़ाई करती थी। फिर थोड़े बहुत टीचर्स भी मुझे हेल्प करते थे, और थोड़े टीचर्स थे कि सिर्फ देख के चुप हो जाते थे। तो फिर भी मैं हमेशा मुझे बहुत हेल्प मेरे पेरेंट्स से मिला था, मम्मी पापा से मिला था। जब भी मुझे समझ में नहीं आती थी, वो मुझे मार्ग दिखाते थे, वो बोलते थे कि प्रैक्टिस करो, फिर पता चलेगा। सारा सन्नी अते उना दी जुड़वा भैन मारिया सन्नी, उना दे वड्डे भरा प्रतीक कुरुविला सारे डेफ हन। मारिया CA कंपनी विच अजे ट्रेनी हन, प्रतीक अमरीका विच एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सन, पर हुण ओह एक डेफ हाई स्कूल विच पढ़ाउंदे हन। उना दे मापिया सन्नी कुरुविला अते बेटी सन्नी ने उना दे हर कदम उत्ते उना दा साथ दिता अते जिंदगी विच अग्गे वधण लई प्रेरित कीता। आपकी बहन की शादी हो गई तो आप क्या उनको मिस करते हैं? मेरे को जब पहली बार पता चला कि मेरी ट्विन सिस्टर शादी कर रही है, तो मैं बहुत खुश थी उसके लिए। फिर वो शादी करके जाने के बाद मैं बहुत ही खुश थी कि मेरा को पूरा रूम मिल गया, फिर मेरे को पूरा कबोर्ड मिल गया कपड़े रखने के लिए, पूरे बेड में मैं सो सकती हूँ करके बहुत खुशी हुई। पर 1-2 महीने के बाद मुझे अकेलापन बहुत महसूस हुआ कि मैं अकेली रह रही हूँ। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा को कि उन्होंने हम तीनों को ऐसे देखभाल किया है कि कभी हमको महसूस नहीं हुआ कि हमको सुनाई नहीं देता या हम नहीं कर सकते करके। जो सारा पहली बार साल 2021 विच जिला अदालत विच गई तो लिख के अपना प्रेजेंटेशन दिता, ये वेख के उत्थे मौजूद वकील हैरान हो गए सन।
ना, मैं हमेशा मेरा फोकस हमेशा जज के ऊपर था। मैं जब पेशकशी ख़त्म करती थी, थोड़े एडवोकेट ऐसे हैं मैं कि आके मुझे कंग्रेचुलेट भी करते थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि तू यहाँ तक आई है, यहाँ से बात करी है करके भी थोड़े लोग आके मुझे बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमें मतलब जब हम इंटरप्रेटर को लाते हैं उसके लिए जो रेम्यूनरेशन जो होता है, मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से मिले उनको, इंटरप्रेटर्स को। तो मैं एक एक ब्रिज के जैसा बनना चाहती हूँ जहाँ पे जो सुनाई नहीं दे, वो दिव्यांग लोग जो होते हैं सुनाई नहीं देता होता है, मतलब जो कोई भी डिसेबिलिटी हो उनको, और जो वो उस पार जाना चाहते हैं, मैं उनको उस पार पहुँचाना चाहती हूँ। मैं एक बात सबको बताना चाहती हूँ, मैं सबको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि म्यूट करके वो शब्द या डम करके शब्द का इस्तेमाल ना करें। हम लोग सिर्फ डेफ हैं,